हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा है और आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जिसमें बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम परिभाषा और इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करना ही बाल विकास है। और बाल विकास के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। और बाल विकास का मतलब ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके किशोरावस्था तक जो बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। ठीक है, तो अब इनकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी। बर्क ने बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन बताया है। किसका अध्ययन बताया है? बालकों के व्यवहार का अध्ययन बताया है, यानी व्यवहार में जो चेंज होता है वही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। ठीक है ना। फिर क्रो एंड क्रोन ने बताया है कि 20वीं सदी का काल बालकों का काल है, यानी जो 20वीं सदी होगी वह वर्तमान जो है वह क्या होगा, भविष्य, जो अभी जो छोटे बच्चे हैं वह वर्तमान बन जाएंगे। तो 20वीं सदी का काल क्या होगा? बालकों का काल होगा। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रोन ने। और बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान है, ये किसने कहा था? बर्ग ने कहा है। अब बाल विकास के चार प्रकार है। ठीक है ना, बाल विकास के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन अपन अपने जो शिक्षण के अनुसार देखा जाए तो हमारे लिए तीन अवस्थाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली अवस्था जो आती है वह शैशवावस्था आती है, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें बालक में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, जो बाल्यावस्था होती है, जो शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। और तीसरी अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसे तनाव की अवस्था भी कहते हैं। और इन सब अवस्थाओं का कार्यकाल जो समय होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आज हम शैशवावस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था सीखने का सबसे अच्छा काल माना जाता है, यानी आदर्श काल माना जाता है। आदर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे का दिमाग, मस्तिष्क पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। जो आप उसको बनाना चाहते हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं, वह आप उसको जो बोलोगे वही क्रिया का प्रतिक्रिया करता है। तो इसलिए इसको वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है ना, फिर फ्राइड ने कहा है कि 4 से 5 साल जो बच्चा बन जाता है वह भावी जीवन में बनता है, यानी जो बनना है वह किस अवस्था में बन जाता है? इस शैशवावस्था में, यानी 4 से 5 साल की अवस्था में जो बालक बनना है, चाहे उसको लीडर बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या नेगेटिव की तरफ जाता है, तब भी वह बन सकता है। तो ये है अवस्था, फ्राइड ने माना है कि 4 से 5 की अवस्था ऐसी होती है वर्ष की जो इसमें जो बालक बनना होता है वह बन जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा रोल रहता है परिवार के सदस्यों का, आस पड़ोस के लोगों का। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब इनको उपनाम भी दिया है। तो इस अवस्था को, यानी इस अवस्था का मतलब शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था का है। अतार्किक का मतलब यह है कि बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी अपन आंसर देते हैं तो उसका प्रत्युत्तर प्रश्न कर लेते हैं। तो यह अतर्क, यानी जिसकी कोई तर्क अपन दे नहीं सकते हैं, इसकी अवस्था है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था में कहा जाता है। फिर जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल इसलिए कहते हैं
क्योंकि यदि परिवार वाले ध्यान देंगे तो वह बच्चा क्या होगा, देश का योग्य नागरिक बन सकेगा और वह भावी जीवन में उच्च स्तर पर पहुंच सकेगा। फिर खिलौने की आयु, यानी इस समय वह खिलौनों से ज्यादा खेलता है और अपने खिलौनों को एकांकी रखने का उसमें अधिकतर उसमें भाव होता है। फिर भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला का मतलब यह है कि जो बच्चा जो आदर्श आप नैतिक गुण सामाजिक गुण जो भी आप सिखाएंगे, परिवार के लोग उसको सिखाएंगे या आस पड़ोस के लोग सिखाएंगे, जो उसके मित्र होंगे वो सिखाएंगे, वही उसकी जीवन की आधारशिला होती है। यानी नींव यहाँ से रखी जाती है और उस पर यानी इमारत का निर्माण होता है। इस प्रकार ये उपनाम दिए गए हैं। अब अपन बाल विकास में शेषा अवस्था की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास बच्चे में इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और तीव्र गति से होता है और इसमें लगभग 135 से 139 सेंटीमीटर तक की वृद्धि लंबाई में होती है और इसी प्रकार इसमें सारे हड्डियों की जो संख्या होती है वह 270 तक होती है, ठीक है। और इस अवस्था में सिक्के अंत तक इनकी हड्डियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं रहती है और अलग अलग होती है, तो 270 होती है। फिर इस अवस्था से जब आगे बढ़ता है और या इस अवस्था के अंत तक जाते जाते उसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती, बाल्यावस्था तक आते आते 350 हो जाती और किशोरावस्था तक आते आते उसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी, जो आगे अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये शारीरिक विशेषता है। पहली विशेषता उसकी लंबाई 135 से 139 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और दूसरा है इनका भाप जो 400 से 500 ग्राम तक बढ़ता है, ठीक है ना, पर ईयर, ठीक है। और इसके अलावा इसकी मानसिक विशेषता के बारे में अपन पढ़ेंगे। मानसिक विकास, वह बच्चा ये सीख लेता है कि उसके दिमाग में क्या सही है क्या गलत है, इसका धीरे धीरे उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है और अच्छे बुरे का उसको समझ आ जाती है, यानी किस कारण से उसको चोट लग सकती है, किस कारण से उसको हानि हो सकती है, इसका धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में वह वस्तुओं को इकट्ठा करना, ठीक है, और अपने हम उम्र के बच्चों में उसमें हम की भावना का विकास होता है, वह अपने खिलौनों को अपने साथियों में बांटने की प्रवृत्ति का विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। और सामाजिक विकास के साथ साथ में उसमें नैतिक विकास, नैतिक विकास में वह विशेषता आएगा जो अपने परिवार के सदस्यों अन्य सदस्यों बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखता है और वह उनसे नैतिक आचरण प्राप्त करता है, बड़े बुजुर्गों से अच्छी कहानियां और देशभक्ति और देश के विकास के लिए जो कहानियां और भाव बताएंगे उससे क्या होगा, उससे नैतिक गुणों का विकास होगा और वह एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। फिर भाषाई विकास आता है। भाषा, वह धीरे धीरे भाषा का बोलना सीखता है और बोलने के साथ साथ में उसको लगभग 800 से 900 शब्दों का ज्ञान, शब्दकोश उसके पास में हो जाता है। ये भाषाई विकास होता है और वह किस समय किस प्रकार की भाषा बोलनी है, ठीक है, तो इसका विकास उस बालक में हो जाता है। संवेगात्मक विकास, छठी जो विशेषता है वह संवेगात्मक विकास है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों को अलग अलग प्रकार से बताया है। 17 प्रकार के संवेगों का के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य मुख्य हैं, जैसे रोना है, हंसना है, ठीक है ना, अलग अलग भाव मुद्राएं बनाना है, इनका विकास धीरे धीरे वह उसके अंतर्गत हो जाता है, क्रोध करना है, ठीक है। तो ये संवेगात्मक विकास में उसके अंतर्गत धीरे धीरे शेषावस्था में के अंत तक कई प्रकार के संवेगों का उसमें अंदर विकास हो जाता है, ठीक है। तो एक बार जो अपन ने पढ़ा है उसका वापस दोहरण कर लेते हैं। हम बाल विकास का अर्थ पढ़ा था,
बाल विकास, बाल और बालक का विकास के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह बाल विकास, और इसको बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है, जो यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। फिर अपन ने दो परिभाषाएं पढ़ी जिसमें व्यवहार का अध्ययन भी बताया गया और 20वीं सदी में बालकों का काल भी कहा गया है। इसके अलावा फिर इसके प्रकार के बारे में पढ़ा है, चार प्रकार हैं, उनमें से तीन प्रकार हमारे शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और इनके उपनामों के बारे में भी अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। तार्किक चिंतन, जीवन का महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन की आधारशिला, खिलौनक की आयु है, ठीक है। तो ये सारे उपनाम उसको दिए गए, क्यों दिए गए उसके बारे में भी विस्तार से अपन ने अध्ययन किया है। विशेषताएं, शारीरिक विकास की विशेषताएं पढ़ी, मानसिक विकास की, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई विकास की विशेषताएं, तो ये बाल विकास के बारे में अध्ययन था। आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है इसके नोट्स एवं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, और इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई समस्या है या कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस हमारे पास में भेज सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करके अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करें।